क्या विराट बनने वाला है अब सही की लाइफ का विलन। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्म बीट और मैं हूं आपके साथ शिल्पी। भाई सीरियल गुम है किसी के प्यार में का लेटेस्ट प्रोमो जो है वो सामने आ चुका है और प्रोमो इतना ज्यादा धमाकेदार था कि फैंस को तो शॉक भी लग गया। अब प्रोमो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सई ने सत्या का हाथ थाम लिया है और भाई सई ने बताया भी है कि वो क्यों इतनी मजबूर है कि भाई उसे सत्या का हाथ थामना पड़ा। वह सत्या की तो एंट्री ही सई के लिए हुई थी, इसीलिए तो भाई सई ने सत्या का हाथ थाम लिया है। लेकिन विराट, विराट को तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से विराट जो है सई को देखे जा रहा है। अब विराट जहां इतना तैयार होके दूल्हा बनकर सई के पास पहुंचा था, ऐसा लगा कि भाई सई ने विराट के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। और विराट की शक्ति भी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा विराट जो है परेशान नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि विराट के चेहरे की हंसी जो है वो तो हमेशा के लिए उड़ गई है। लेकिन अभी तो विराट के साथ ऐसा होना ही था क्योंकि विराट ने बार बार जहां सई को छोड़ा है तो अब सई ने भी विराट को छोड़ दिया है। इसी के साथ और भी बहुत सारे ट्विस्ट हैं जो आने वाले हैं क्योंकि अब विराट जो है वो विलन बनने वाला है। जी हाँ, आप देखेंगे अब तक पाखी ने सई की सारी खुशियां छीनी, लेकिन अब विराट जो है वो सई की खुशियां छीनने वाला है क्योंकि विराट को ये लगेगा कि मैं जिस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ के आया उसने किसी और का हाथ थाम लिया। तो चलिए बताते हैं क्या सच में ऐसा होगा। भाई दोस्तों, सीरियल के आने वाले ट्रैक में आज आप देखेंगे किस तरह से पाखी जो है विनायक और सभी के साथ बहुत खुश होती है, जहां पर सभी जो है वो भी पाखी को आंटी आंटी कहकर बुलाती है और पाखी जो है उन दोनों बच्चों को सैंडविच बनाना सिखाती है, जिस पर विराट भी हैरान होता है। विराट कहता है, अरे पाखी में इतना बदलाव और अगर मैं पाखी के साथ रिश्ता तोड़ूंगा तो उसे कैसा लगेगा। साथ ही भवानी और अश्विनी भी पाखी को इस तरह से देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी आपको आगे देखने को मिलेगा कि किस तरह से सीरियल के ट्रैक में और भी बहुत सारे मजेदार ट्विस्ट जो हैं वो आने वाले हैं, क्योंकि अब आप ये देखेंगे कि किस तरह से सत्या जो है उसको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड गिरजा की याद आने वाली है। क्योंकि आपको तो पता ही चल गया होगा कि गिरजा को किस तरह से उसके पेरेंट्स ने सत्या से मिलने नहीं दिया था। अब जहां सत्या गिरजा की यादों में अब तक खोया हुआ है, तो शादी के बाद क्या सच में वो सई को उसका हक दे पाएगा, क्या वो सई को प्यार दे पाएगा या इस शादी में भी सई को कुछ नहीं मिल पाएगा। वेल, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से विराट ने सई और सत्या को देखा है, क्योंकि जिस तरह से प्रोमो में विराट सहरा बांध रहा है और भाई विराट भागा भागा सई की ओर जा रहा है और जैसे ही उसने सई को देखा है, सई किस तरह से विराट के हाथों में अपना हाथ दे रही है, तो ये चीजें विराट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यानी कि अब पाखी तो सुधर चुकी है, लेकिन विराट जो है ना वो अब सई की खुशियां छीनने पर तुलाएगा। वो सत्य और सई को करीब आने नहीं देगा। वेल, ये खबर कितनी सच्ची है कितनी झूठी ये तो आगे पता ही चल जाएगा। वेल, आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड है सई सत्या की शादी देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो कर लीजिए।